नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जसमीत दालूवालिया, बेरियाट्रिक रोबोटिक एंड एडवांस लैप्रोस्कोपिक सर्जन। और इस वीडियो में हम बात करेंगे अपेंडिक्स के बाद क्या डाइट लेनी चाहिए, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले ये जानिए कि जो अपेंडिक्स है ये बहुत ही एक छोटा सा ऑर्गन है जो आपकी छोटी और बड़ी आंत के जोड़ के जस्ट पास होता है, यानी जहाँ छोटी आंत बड़ी आंत से मिलती है उस ऑर्गन को सीकम बोलते हैं। और उसके बेस में ये ऑर्गन अपेंडिक्स के नाम से होता है और ह्यूमंस के अंदर इसका कोई भी महत्वपूर्ण काम नहीं होता, यानी कि अगर अपेंडिक्स निकाल दिया जाए तो इससे बॉडी को कोई भी नुकसान नहीं होगा। अपेंडिसाइटिस यानी अपेंडिक्स की इन्फ्लामेशन कई कारणों से हो सकती है, लेकिन हर एक पेशेंट में एग्जैक्ट कारण ढूंढना पॉसिबल नहीं होता। सो अगर अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो गया है तो ध्यान रखिए कि यह ऑपरेशन आपकी आंत पर किया गया है और उसके अनुसार ही खाना खाइए। अगर सिंपल ऑपरेशन है यानी आंत गली नहीं है या अपेंडिक्स का बेस गला हुआ नहीं है तो नॉर्मली हम पेशेंट को शाम को ही लिक्विड डाइट स्टार्ट कर देते हैं और नेक्स्ट डे वो सॉफ्ट डाइट ले सकता है, जैसे पतला दलिया, खिचड़ी ऐसे, और उसके अगले दिन से हम नॉर्मल खाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अगर अपेंडिक्स ज़्यादा गल गया है, उसमें इन्फेक्शन ज़्यादा है या जो नीचे आंत है उसमें इन्फेक्शन ज़्यादा है तो हो सकता है कि हम पेशेंट को कुछ दिन खाली पेट रखें या कुछ दिन लिक्विड डाइट दें, सेमी सॉलिड डाइट दें और उसके बाद नॉर्मल डाइट पर लाएँ। सो अपेंडिक्स का ऑपरेशन एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड या बिना कॉम्प्लिकेशन का ऑपरेशन भी हो सकता है और इसमें मेजर कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती हैं, इसीलिए डाइट इन जनरल वीडियो पे बताना इम्पॉसिबल है। ये केस टू केस वेरी करेगा। आपने जहाँ से भी ऑपरेशन करवाया है उनसे बात कीजिए कि आपके अपेंडिक्स की कंडीशन कैसी थी। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ वहाँ से वीडियो देखकर या पढ़कर अपने डाइट डिसाइड नहीं कीजिए, जहाँ ऑपरेशन करवाया गया है उनसे डिस्कस कीजिए और वो जो आपको डाइट प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उसके हिसाब से डाइट लीजिए। अदरवाइज अपेंडिक्स के बाद गलत डाइट लेने से आपको जान को खतरा भी हो सकता है। थैंक यू।